एवरीवन, आज हम शुरू करने चल रहे हैं पोएट्री सेक्शन। रेनबो पार्ट टू का पोएट्री सेक्शन में चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटन बाय जॉन डॉन। एक बात आप समझ लें कि गो का स्पेलिंग क्या होता है, जी ओ, बट यहां दिया हुआ है जी ओ ई। जी हाँ, ओल्ड एज में, ओल्ड इंग्लिश काल में गो का स्पेलिंग जी ओ ई होता था। तो आप ये समझ लें कि क्या स्पेलिंग है वर्तमान में, जी ओ। इसी गो को पुराने जमाने में लिखा जाता था जी ओ ई। इस पोएट्री में बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश के वर्ड यूज किए गए हैं, तो मैं एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं मॉडर्न इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश के जो वर्ड्स है वो दोनों को मैं कंपेयर करते हुए आपको बताऊंगा। स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट का मतलब होता है सबसे प्यारा, प्रियतम, ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। स्वीटेस्ट लव, प्रियतम, प्यारे, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं। हालांकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी क्या दे रहा है, मैं नहीं जा रहा हूं। जॉन डॉन के बारे में समझते हैं हम लोग। जॉन डॉन 1572 में इनका जन्म हुआ था और 1631 में इनकी डेथ हुई। द पायोनियर, पायोनियर मतलब होता है अग्रणी। देखो बच्चे, आप 12th के बाद, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश को ही अपना करियर बनाएं, तो इसके लिए अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है। और इंग्लिश को अगर नहीं भी करियर बनाते हैं तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस तो आपको सब जगह रहेगी, इसलिए आप बेहतर ढंग से पढ़ें। ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, लिरिकल मतलब होता है संगीतमय। सैट्रिकल, सैट्रिकल मतलब होता है हास्य या व्यंग। वर्स मीन्स पंक्ति, लाइन जिसको बोलते हैं। कॉल्ड मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक। Was born into a prosperous, prosperous मतलब समृद्ध, Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. Staunchly मतलब होता है काफी, वैसे इसका मीनिंग एक और होता है निष्ठापूर्वक, पूरी तन्मयता से। तो चलिए पहले इस लाइन को समझते हैं एंड देन आफ्टर विल थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैट्रिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। जॉन डॉन जो थे वो आध्यात्मिक टाइप के जो पोएम थी, जिसमें संगीतमय और हास्य पंक्तियां दोनों शामिल हुआ करती थी, इस तरह के लिखने में, लिखने वाले वो अग्रणी पोएट थे। द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड, एक नए तरह के संगीतमय और हास्य पंक्ति, जिसे आध्यात्मिक कहा जाता है, लिखने वाले कवि थे, जिनका जन्म, वॉज बॉर्न इन लंदन, जिनका जन्म लंदन में हुआ था, इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, एक समृद्ध रोमन कैथोलिक, कैथोलिक नाम है क्रिश्चियन में, क्रिश्चियनिटी के अंदर कैथोलिक समुदाय के लोग होते हैं। वैसे 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, 16th century में क्रिश्चियनिटी में टू पार्ट हो गया, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट जो थे वो अलग तरह के लोग हो गए और कैथोलिक अलग तरह के लोग हो गए, दोनों में विभेद हो गया। तो इनका जो जन्म हुआ था वो रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, और इनके परिवार में क्या थे, ये ट्रेडर्स थे। ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है, व्यापारी। एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, उस समय इनका जन्म हुआ था एक कैथोलिक परिवार में, जिस समय इंग्लैंड में पूरी तरह से कैथोलिक लोगों के विरुद्ध हवा बह रही थी और काफी बल पकड़े हुआ था, काफी जोर पे था। स्टॉन्चली एंटी, एंटी मतलब विपरीत, कैथोलिक मतलब कैथोलिक, तो कैथोलिक समुदाय के विपरीत, काफी विपरीत लोग थे
काफी जोरदार तरीके से उसका विरोध कर रहे थे, उस समय इनका जन्म हुआ था। डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। चूंकि ये कैथोलिक थे और वहां ज्यादातर लोगों की बोलबाला था एंटी कैथोलिक लोगों का, इसलिए डॉन पे दबाव दिया गया। डॉन वॉज फोर्स टू लीव, डॉन पे दबाव देकर छोड़वा दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। कहां पढ़ते थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इन्हें छोड़ना पड़ा विदाउट ए डिग्री, बिना किसी डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये कैथोलिक थे, अपने धर्म के कारण, रिलीजन के कारण। वैसे बच्चों मैं बता दूं, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं एक अलग से पार्ट इसमें दिया हूं, जो लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा, बस उसको आप याद कर लेंगे तो उसी में से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अभी इसको समझिए। ओके, डॉन वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। तो इन्हें, वैसे तो इन्होंने पढ़ाई की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बट विदाउट कम्प्लीटिंग हिज डिग्री कोर्स ही हैड टू लीव। उन्हें छोड़ना पड़ा, उन पर दबाव पड़ा। वजह क्या था? इनका रिलीजन। वहाँ उन्होंने क्या क्या स्टडी किया? ही स्टडीड लॉ, वहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई की, एंड रीड थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र। उन्होंने वहां, ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या पढ़ाई की जॉन डॉन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो लॉ एंड थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है? धर्मशास्त्र, धर्म के बारे में अध्ययन। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन टू नेवल एक्सपेडिशन एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल, ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैटर्न्स नीस। ओके, पहले वर्ड्स देख लेते हैं, देन आफ्टर विल सी। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन टू नेवल एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन मतलब होता है अभियान। नेवल मतलब होता है नौसेना, पानी के जहाज में जो होता है ना, नौसेना। तो इन्होंने दो नौसेना के जो अभियान था उसमें भी पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। और ये एक पावरफुल नोबल, नोबल मतलब होता है ताकतवर व्यक्ति, उच्च पद वाले व्यक्ति। तो एक काफी पावरफुल व्यक्ति के ये सेक्रेटरी बन गए। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? सचिव। लेकिन ये जॉब, इनको नौकरी तो मिल गई, बट ये इनको जॉब खोना पड़ा। ए लॉस्ट, ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। इसलिए उनको नौकरी छोड़ना पड़ा क्योंकि इनको जेल भेजा गया था। और जेल क्यों भेजा गया था? क्योंकि इन्होंने गोपनीय तरीके से, इन्होंने शादी कर ली थी, इनके जो देख रेख करने वाले जो इनको पाला पोसा था उसके भतीजी से। एक्चुअली क्या हुआ, जॉन डॉन के फादर ये जब छोटे थे, बचपन में ही गुजर गए, तो दूसरे व्यक्ति ने, एक अंकल थे इनके, दूसरे व्यक्ति ने इनका पालन पोषण किया। तो उस जिसके यहाँ इनका पालन पोषण हुआ, उसी के निस से, उसी के भतीजी से इन्होंने चुपके से शादी कर ली। सीक्रेटली मैरिंग, चुपके से शादी कर ली इन्होंने। और इसकी वजह से इनको क्या हुआ? जेल जाना पड़ा। प्रिजन मीन्स जेल, जेल जाना पड़ा। अब ब्रीफली मतलब क्या? वॉज सेंट ब्रीफली टू प्रिजन, मतलब कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह से इनको नौकरी गंवानी पड़ी। इन 1615 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 42, जब ये 42 साल के थे, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश मतलब क्या? आदेश, हुक्म। डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेंस इन द एंग्लिकन चर्च। इन्होंने क्या किया? एक एंग्लिकन चर्च था, उसमें इनको बना दिया गया पादरी, पुजारी बना दिया गया। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। और ये अपने समय के महान उपदेशक, उपदेश देने वालों में से एक बन गए हैं। इन लव, प्यार में, लिरिसिज्म, लिरिसिज्म मतलब संगीतमय, लिरिक मतलब होता है संगीत, तो लिरिसिज्म मतलब होता है संगीतमय। डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन। अब ये आपके दिमाग में आएगा, ये पेट्रार्चन ट्रेडिशन क्या होता है? देखो, पेट्रार्च एक इटली के रहने वाले पोएट थे, ठीक है,
और वो जो सोनेट लिखते थे उसे कहा जाता था पेट्रार्चन सोनेट। सोनेट क्या होता है? सोनेट 14 पंक्तियों वाली कविता होती है, ठीक है। तो उनके लिखने का जो तरीका था वो एक खास तरीका था जिसे पेट्रार्चन कहा गया, पेट्रार्चन सोनेट। अब ये सोनेट लिखने का तरीका क्या होता है ये आपको जब प्रोसोडी पढ़ेंगे डिटेल्स में तो उसमें आपको समझ में आएगा कि उसके लय को कैसे कहते हैं। तो बस अब ये समझ लीजिए कि पेट्रार्च एक इटालियन पोएट थे और उनके लिखने का जो तरीका था उसी को सब लोग फॉलो करते थे। लेकिन जब डॉन आए, जॉन डॉन, तो इन्होंने क्या किया कि उस परंपरा को तोड़ दिया और इन्होंने परंपरा को तोड़ करके इन्होंने अपना कुछ नया तरीका उसमें शामिल कर दिया। और नया तरीका क्या शामिल किया? इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वल टोन। इन्होंने क्या किया? बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण और आम बोलचाल वाली टोन को उसमें शामिल कर दिया, जो ऐसी चीजें इससे पहले वाली पेट्रार्च के पोएम में नहीं दिखती थी, ठीक है। तो वैसी चीजें इसने शामिल कर लिया। वैसे आपको मैं बता दूं, सोनेट्स का दो पार्ट्स होता है, जो एक पेट्रार्च के तरीके का होता है उसको बोलते हैं पेट्रार्चन सोनेट, और दूसरा सोनेट शेक्सपियर के जो सोनेट होते हैं उसको कहते हैं। सब अलग है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि इन्होंने उस परंपरा को तोड़ दिया। हिज लव पोएम्स, इन्होंने जो प्रेम के ऊपर जो पोएम्स लिखी, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफिकल टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। हिज लव पोएम्स, इनकी जो प्रेम के ऊपर कविताएं हैं उसमें जो नए नए साइंस के संबंधित जो आविष्कार है या ज्योग्राफी से संबंधित जो तथ्य है, जैसे जो इनकी जो व्याख्याएं होती है उसमें ज्योग्राफिकल बातें होती है, और इससे टू हैमर होम ए पॉइंट, मतलब बातों को एकदम प्रभावशाली बनाने के लिए ये क्या करते हैं, साइंस की डिस्कवरी से संबंधित या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से संबंधित बातें करते हैं। एंड कंबाइंड पैशन और विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। देखिए, ये जब लिखते हैं पोएम तो उसमें ऐसा लगता है, एक गुदगुदी सा लगाते हैं ये, और ये गुदगुदी ऐसे लगाता है जैसे कि किसी व्यक्ति को छेड़ रहा हो और उसमें गुदगुदी लग रहा हो इस तरह से। और वो करते कैसे हैं? कंबाइंड पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल, ये बोल करके, और मतलब ये बातें जो करते हैं उससे उसमें कहीं ना कहीं एक गुदगुदी सी लगती है, और वो भी गुदगुदी बुद्धिमत्तापूर्ण गुदगुदी होती है। मतलब क्या, उसका आशय निकलता है, उसका मीनिंग निकलता है, तभी तो इनको सैट्रिकल मतलब व्यंग्यात्मक पोएट कहा जाता है। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन डॉन किस लिए ज्यादा प्रचलित है, किस चीज के लिए जाने जाते हैं? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स मतलब गीत, और सोनेट्स 14 पंक्तियों वाली कविता जिसे गाया जाता है। सटायर्स, व्यंग्यात्मक कविताएं, एंड द इलेजिस होता है शोक गीत, किसी के अफसोस में गाया जाने वाला गीत, एंड सरमंस मीन्स उपदेश, ठीक है। इस सब का मीनिंग हमने लिख दिया है, जस्ट इसके बाद मैं शो करूंगा। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्स मीटर्स, स्ट्रेंड एंड विम्सिकल इमेजेस करेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स का मतलब होता है जेन्युइन, मतलब असली, जेन्युइन समान आप अक्सर बोलते हैं। तो इनकी कविताओं में असली कविता की भावना उभर के आती है। हार्स मीटर्स, अब ये आपको अभी समझना मुश्किल हो सकता है, ये मीटर्स क्या होता है? ये मीटर्स आप यूं समझ लीजिए, कविताओं में एक लय होता है, तो उस लय को बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर सिलेबल्स पे ज़्यादा जोर देते हैं, किसी पे कम जोर देते हैं। तो कम और ज़्यादा जोर देने की वजह से ही लय बनता है, ठीक है।
तो इसी लय को व्यक्त करने के लिए मीटर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसका अध्ययन आप प्रोसोडी में करेंगे। ये छंद है और छंद का अध्ययन आपको करना पड़ेगा, खास करके जो बच्चे इंग्लिश ऑनर्स करेंगे तो उन्हें बहुत सारा इसमें पढ़ना पड़ता है। तो आप ये समझ लीजिए छंद का प्रयोग इन्होंने काफी मतलब हार्ड छंद का प्रयोग किया है। स्ट्रेंड एंड विम्सिकल इमेजेज करेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। स्ट्रेंड मतलब होता है विकृत, थोड़ा अजीब सा, ठीक है, विकृत। एंड विम्सिकल, विम्सिकल मतलब मनमौजी। इमेजेज मतलब इनके जो पोएट है, पोएम है, उसमें काफ़ी कुछ अजीब अजीब चीज सब देखने को मिलती है और अजीब अजीब इमेजेस बनाते हैं ये, और इस तरह से इन्होंने अपनी पोएट की रचना की है, पोएटिक रचना की है। तो ये तो मैंने डिटेल्स में आपको समझा दिया जानकारी के लिए, लेकिन इतनी सारी चीज़ों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो याद करके रखना है जिससे कि आपको क्वेश्चंस बनेंगे, वो है ये पार्ट। और इस पार्ट को मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा किस टाइप के कवि है, तो मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक। कहाँ के रहने, मतलब किस तरह के बिलोंगिंग है इसके परिवार का, तो कैथोलिक फैमिली से। एजुकेशन इन्होंने कहाँ से गेन किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन इनकम्प्लीट रहा, क्यों, रिलीजन की वजह से। स्टडीड क्या क्या स्टडी किया, लॉ एंड थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। एट द एज ऑफ 42 ये क्या बन गए, एक उपदेशक बन गए, प्रीचर बन गए। किस चीज़ के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, सॉन्ग्स, सोनेट्स, सटायर्स, इलेजिस एंड सर्मन्स। तो इतना आप याद कर लेंगे, इससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम पोएम पढ़ेंगे।